नालंदा कॉलेजिएट स्कूल में तरंग किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम के तहत नोडल शिक्षकों की बैठक आयोजित की गई। बिहार शरीफ के गढ़ पर स्थित नालंदा कॉलेजिएट स्कूल के प्रांगण में तरंग किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम के तहत समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत नोडल शिक्षकों की एक दिवसीय समीक्षा बैठक बुलाई गई। इस मौके पर SCERT के कंसल्टेंट अपूर्ण कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना काल में वर्ग 6, 7, 8 और 9 के बच्चों को इस तरह से मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस बनाकर रखना है और हाथ को सैनिटाइजेशन करवाते रहना है। इसके लिए आज उत्क्रमित मध्य विद्यालय के शिक्षकों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान ट्रेनिंग दी गई। इस मौके पर मास्टर ट्रेनर अजय कुमार ने बताया कि जिले में 30 विद्यालयों के शिक्षक जो तरंग से जुड़े हैं, आज उन लोगों के बीच कोरोना से बचाव के लिए समीक्षा बैठक की गई है, जिसमें सभी विद्यालयों का शिक्षक उपस्थित हुआ और उन लोगों को बच्चों के साथ किस तरह से व्यवहार करना है और उन्हें कोरोना के खिलाफ भय मुक्त बनाना है, इस बारे में चर्चा की गई। ये किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत तरंग कार्यक्रम हमारे जिले में चलाया जा रहा है। आज एक समीक्षात्मक बैठक है, एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 30 स्कूल के नोडल शिक्षक किशोरावस्था से संबंधित यहाँ आए हैं और हमारे पटना से अल्पन सर विस्तार से बताएंगे कि हमें इस कोरोना के संक्रमण काल में कैसे अपने बच्चों के साथ कैसे उनकी समस्याओं को, चूँकि 10 वर्ष से 19 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं उसमें शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, इसको हम भावनात्मक रूप से, संवेगात्मक रूप से कैसे बच्चों से डिस्कशन करें और बच्चों से कैसे डिस्टेंसिंग का पालन करवाएँ, तो इसी के संबंध में आज समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अल्पन सर और हमारे माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय के निर्देश में हम लोग ये कार्य समीक्षात्मक बैठक आज करा रहे हैं। मेरा नाम अजय कुमार हुआ, मास्टर ट्रेनर तरंग किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम। यहाँ नालंदा जिले के उत्क्रमित उच्च विद्यालय के शिक्षक हैं और मध्य विद्यालय के शिक्षक हैं। हम ये समीक्षात्मक बैठक हर वर्ष करते हैं 2 बार, लेकिन कोरोना के कारण ये बैठक नहीं हो पाई थी, तो आज कोरोना काल के बाद करीब करीब 1 साल के बाद ये बैठक हो रही है और इसमें हम शिक्षकों के साथ ये चर्चा कर रहे हैं कि कोरोना काल के बाद बच्चे जब विद्यालय में आएँ तो वो उनके साथ कैसा व्यवहार करें। जब बच्चे आएंगे तो बहुत तनाव में रहेंगे, बहुत डरे हुए रहेंगे, तो वो उनको उनके डर से कैसे निकालें, उनका तनाव को कैसे दूर करें, इसके बारे में चर्चा की जा रही है। और भारत सरकार की एक नई बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आ रही है, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम है क्या, वो कैसे विद्यालयों में संचालित होगा, इसके बारे में भी शिक्षकों को जानकारी दी जा रही है। साथ ही हम उनसे ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना काल में उन्होंने विद्यार्थियों से संपर्क किया तो विद्यार्थियों का क्या रिस्पॉन्स था, उनको कैसा लगा और उन्होंने आपने उन्हें क्या समझाया, तो ये सारी चीज़ हम आज चर्चा कर रहे हैं। मेरा अल्पन कुमार सिंह, मैं SCERT में कंसल्टेंट हूँ। ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉगिन करें www.rpsbiharshareef.com। देख रहे हैं आप, कोई प्रकृति का दुश्मन अपनी सेप्टिक टंकी साफ करके शहर को गंदा बना गया, पर हमारे चाचा जी ने समझदारी से काम लिया, प्रशिक्षित और अधिकृत आदमी से ही अपनी सेप्टिक टंकी साफ करवाई और पड़ोसियों को भी समझाया। आप भी चाचा जी की राह चलें और अपने शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण में अव्वल बनाएं। मिशन वही, शुरुआत नई।